हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग में। और आज हम आपको आए हैं घुमाने नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो नोएडा पड़ता है उसके अंदर, ये जो है बर्ड सेंचुरी जो है ये पार्क है, एक कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो चिड़ियों की, तरह तरह की हैं प्रजातियाँ जो बाहर विदेशों से यहाँ पर आती हैं। और ऑलमोस्ट कम से कम 329 प्रजातियाँ हैं जो इस बर्ड सेंचुरी में नोएडा में यहाँ पर आती हैं, जिसमें से मैं बात करूं कि 27 प्रजातियां हैं वो 2001 में ट्रैक की गई, और उससे पहले की जो बाकी प्रजातियां हैं वो 1990 के आसपास ट्रैक की गई। ये जो आप अगर यहां पे आते हैं बर्ड सेंचुरी में, तो यहां पर आपको टिकट लेना पड़ेगा, और ये इसका जो प्राइस होगा वो 30 रुपीज़ पर पर्सन होगा। और अगर आप यहाँ पर विद कैमरा आते हैं तो आपको कैमरे का चार्जेस देना पड़ेगा जो होगा 500 रुपीज़। और जो बर्ड सेंचुरी या स्टार्टिंग 500 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर मेट्रो के थ्रू अगर आप आते हैं तो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी, आप वहाँ पर उतर सकते हैं जो सबसे नियरेस्ट है, और वहाँ से वॉकिंग करके आप इस बर्ड सेंचुरी में आ सकते हैं। ये अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो ये 3.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको बहुत सा एकदम इस तरह की फीलिंग आपको आएगी कि आप किसी गोवा के बीच के किनारे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको टूरिस्ट मिलेगा, वो साउथ से भी मिलेगा, नॉर्थ से मिलेगा, वेस्ट से मिलेगा, हर जगह से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर इस बर्ड सेंचुरी का आनंद लेते हैं। तो आइए गाइज, हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे बर्ड सेंचुरी को यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, और ये कितना सुंदर दिखता है। तो अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे इस ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर। ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ के साइड बोर्ड पर लिखा भी हुआ है कि कितनी फीस किस चीज के लिए है। तो अभी नाउ यहाँ से हमने एंट्री की और ये है पूरा अंदर। और अब आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में ये ई रिक्शा खड़े हुए हैं, ये आपको अंदर तक ले जाएंगे। इनकी भी जो फीस होती है वो 30 रुपये अलग से होती है। और ये साइड में आपको एक नेचर वर्ल्ड के नाम से आपको एक कैफ़े मिल जाएगा जहाँ से आप चाय, नाश्ता, समोसे, वॉट एवर जो भी खा सकते हैं। इसका रेस्ट लिस्ट जो है वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस रेस्टोरेंट के लेफ्ट साइड में ही आप एक देखेंगे स्टेयर्स, यहाँ से नीचे उतरते ही आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा जहाँ से बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी बीच वाली। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो फोटो खिंचवाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक नाव रखी हुई है। तो ये एक शेड के अंदर है जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा सकते हैं सामने रेस्टोरेंट से लेके स्नैक्स को। और यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल कॉर्नर पे मैं कहूँगा कि दो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर फोटो भी बहुत सारे क्लिक होते हैं। और ये देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है बगला, तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है बगलों की, चिड़ियों की, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर बहुत सा एक आपको सुकून मिलेगा ग्रीनरी के बीच आकर। और ये देखिए, और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वॉशरूम की दिक्कत नहीं होगी, वॉशरूम यहाँ पर अंदर बने हुए हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है जैसा कि हिंदुस्तान में रहते हैं हर जगह, तो उसी तरीके के यहाँ पे वेस्टर्न और आपको मिल जाएंगे। तो डस्टबिन भी यहाँ प्रॉपर है जहाँ पर आप कुछ रैपर्स डाल सकते हैं। दो लोग ऑलरेडी बैठ के खा भी रहे हैं यहाँ पर कुछ, तो आपको भी यहाँ खाने और बैठने और घूमने बहुत मज़ा आने वाला है। गिलहरियों के साथ भी आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ से उठा के ले गई। जनरली गिलहरियाँ हमारे घरों के आसपास तो होती हैं, बट वो इतना बिलीव नहीं करती इंसानों पे और बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हो किस तरीके से गिलहरी बार बार मेरे हाथों से ले जा रही है चीज़ों को, और ये नज़ारा आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, आप अगर अपने कैमरे से शूट भी करते हैं किसी गिलहरी को यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि वो बिलीव करती है कि हाँ मतलब हमें वो मारेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। मैं देखिए कितने पास से इस गिलहरी का वीडियो ले रहा हूँ, और ये कितने प्यार से एक आलू का टुकड़ा है जो मैंने इसको दिया है खाने के लिए, और ये खा रही है। इवन ये इंसान पे इतना बिलीव करती है क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का इतना अच्छा है कि समहाउ वो आपके हाथ पर चढ़कर या आपके पैर पे चढ़कर खुद ही आप से खा लेंगी जो चीज़ आप उनको देना चाहेंगी। ये बात अलग है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को खिलाना मना है, बट क्योंकि ऐसी चीज़ों में इंसान अपनी भावनाओं को दूर नहीं रख पाता जानवरों के प्रति कुछ खिलाने के लिए, तो मेरा भी मन किया तो मैंने भी इनको खिला दिया, और आप देखिए कितना अच्छा लगता है इनको खिलाना।
तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है वो कम से कम मेरा अंदाजा है कि जो सामने आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि गाड़ी जा रही है, ये 30 रुपये इसी बात के लेती है सो दैट कि आपको वॉकिंग ना करना पड़े और आपको लास्ट तक ये छोड़ के आए इस गार्डन में और आपको पूरा नज़ारा व्हीकल पे बैठे बैठे नजर आ जाए। तो ये जो टोटल रन है ये वॉकिंग में मुझे अप्रोक्सीमेटली ऐसा लगा कि शायद 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास का है, क्योंकि हमें पहुंचने में कम से कम नहीं तो आराम से 45 मिनट्स लग गए थे वॉकिंग चलते चलते। अगर हम साइड में बात करें तो थोड़ा ढलान में यहाँ पर कुछ ऐसे पाथ आपको मिल जाएंगे जहाँ पर लोग वॉकिंग करते रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि दो लड़कियाँ फोटोग्राफी करा रही हैं और ये दो लड़के वहाँ पर टहल रहे हैं। तो इस तरीके से नीचे भी जाकर आप नज़ारे ले सकते हैं और रोड पर ही स्ट्रेट चलते चलते भी आप नज़ारे यहाँ पर ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर साइड में जो नीचे की तरफ पाथ है, तो अभी हम थोड़ी देर में हम भी नीचे उतर कर जाएंगे और आपको दिखाएंगे पाथ से नज़ारा। तो यहाँ पर जो मैंने देखा है कि यहाँ पर फैमिलीज भी आती हैं, कपल भी आते हैं, मोस्ट ऑफ द मैं कहूँगा 50-50% का रेशियो होता है कि आपको यहाँ पर फैमिलीज भी मिलेंगी और कपल्स भी मिलेंगे। तो घूमने के लिए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, पूरी हर तरफ ग्रीनरी है, फ्रेश एयर आपको मिलेगी, एक बहुत अच्छा आपको नज़ारा मिलेगा, गोवा वाली फीलिंग मिलेगी। और आपको यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये ऐसा मैं कहूँगा कि एक सिनेरियो है कि जहाँ पे आप जो रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो वो भी यहाँ पे मैंने लोगों को बनाते हुए देखा है। और क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है तो लोग यहाँ पे फोटोग्राफी भी साथ साथ करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि एक शेडोज है जो आपको कई जगह नज़र आ रहे होंगे, तो इन शेडो में बैठ के आप आराम से कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना कुछ आप घर से भी बना के ला सकते हैं लाइक अ पिकनिक वे, तो वो भी आप यहाँ पे पिकनिक के स्टाइल में आप मना सकते हैं। तो ये पूरा बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा है और आगे मैं आपको बहुत सारे और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो यहाँ पे हैं। और ये काफ़ी लंबा रास्ता है जो रोड के साइड में है ढलान की तरफ, आप देख रहे हैं जैसे लास्ट में एकदम एंड नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी एक लंबा रास्ता है जिसपे आप चलते चलते भी पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और ये देखिए ये उस रिवर के साइड का किनारा है, जब यहाँ से आप व्यू को देखेंगे तो वो वाह आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक तरीके से गोवा की फीलिंग आने वाली है और आपको लगेगा कि आप एक यूपी के एक एंड से खड़े होकर आप दिल्ली को देख रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग आपको आएगी। और देखिए हर तरफ आपको पानी नज़र आएगा, ग्रीनरी नज़र आएगी और इस पानी में आपको बैठे हुए पक्षी भी नज़र आएंगे। हालांकि अभी आपको यहाँ पर पक्षी नज़र नहीं आ रहे, बट आगे वीडियो में आपको पक्षी भी दिखाऊंगा जो दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पानी में बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। देखिए सामने कितनी भीड़ है लोगों की। तो जब यहाँ पे आप थक जाते हैं तो थकने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारी बेंचेस मिल जाएंगी आपको नीट एंड क्लीन, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं और आप आराम से बातें कर सकते हैं और पूरा नज़ारा देखते हुए आप इस पूरे इंटरेस्टिंग व्यू को आप बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ बहुत सारे कपल आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं, तो आपको कुछ ऐसा हेस्टेशन नहीं लगेगा कि यहाँ पर बहुत शांति है, लोग आपको दिखते रहेंगे चलते फिरते सो दैट कि आपको भी यहाँ पे अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, या कहिए कि आप भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ये अलग बात है कि अब बहुत कम तादाद में ये यहाँ पे रहती हैं, बट ठीक ठाक सा मिल सकता है आपको देखने के लिए। आपको रोड चलते साइड में यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे एक तितई का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे पूरे रास्ते जब आप यहाँ पे चलते जाएंगे तो आपको प्रॉपरली बोर्ड यहाँ पर मिलते जाएंगे जिससे आप उनकी डिटेल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से पक्षी आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिलते रहेंगे कि आपको बर्ड्स को कुछ भी नहीं खिलाना है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं चिड़ियों की, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे पनवा, पनडुब्बी, सिमिलर नेम है एक चिड़िया, ये भी बाहर विदेश से आती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे जैसे भुजंगा, कोतवाल, ये भी चिड़िया बाहर से ही आती है। तो इस तरह की कई सारी चिड़ियाँ ऐसी जो बाहर विदेशों से यहाँ आती हैं। तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड भी मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी पंछियों की, और ये पंछी जो हैं ये बाहर विदेश से भी आते हैं, कुछ हिंदुस्तान के भी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप तो नेम वाइज भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अंदर, लेकिन ये सभी सीजनल होती हैं, सीजन के हिसाब से यहाँ आती हैं। अगर मैं इसके साथ ही बात करूँ तो बिल्कुल लास्ट में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत लंबा रोड भी पड़ता है जहाँ से लेफ्ट साइड में एक फोटो पॉइंट है जिसके लिए ये रास्ता जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बोर्ड्स लगे हुए हैं जो जो यहाँ पे बर्ड्स मिलती हैं, तो यही रास्ता है। इस रास्ते से आपको लेफ्ट टर्न होना पड़ेगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ से आप
इसको एक छोटी सी, मैं कहूँगा जैसे खेतों के बीच में से चलते हुए हम जाते हैं, तो वैसा ही एक रास्ता पड़ेगा जो आगे आपको एक फोटो पॉइंट के लिए ले जाएगा, जो एक टावर है बेसिकली जहाँ से खड़े होकर फोटो लेते हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यही वो लेफ्ट का रास्ता है जहाँ से अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्रिज भी है। ये पहले तो बहुत एक टूटी हालत में था, अभी इसको नया रिकवर किया गया है, नई तरीके से बनाया गया है, अब काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। अब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसके ऊपर से निकल सकते हैं। पहले तो डर लगता था कि नीचे गिर ना जाए। और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर भी बहुत से लोग फोटोग्राफी करते हैं, और हो सकता है शायद अभी हमें कोई फोटोग्राफी करता हुआ मिल भी जाए। तो ओवरऑल में ये जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है, ग्रीनरी हर तरफ है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा दो मिनट के लिए कि आप बिल्कुल गांव में एकदम आ गए हैं, जहां पर आपको हर तरफ अगल बगल आपको ग्रीनरी मिलेगी। कुछ सिंगाड़े के देखिए, ये सिंगाड़े हैं जो पानी में है, तो खेती जो होती जिस तरीके की काई के अंदर है। तो आप देखिए सामने कुछ लोग आई थिंक फोटोग्राफी भी कर रहे हैं इस ओवरब्रिज पे, तो फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और यहाँ पर एंट्री करते वक्त हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि ये जो एरिया पड़ता है ये बिल्कुल शांत एरिया पड़ता है, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत कम नज़र आते हैं। बट फिर भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे कि लोग मॉडल्स जो हैं वो फोटोशूट करवाने के लिए भी आती हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं एक आई थिंक मॉडल भी आ रही हैं। तो अभी क्या है, इनके पास पूरा कैमरा सेटअप है, तो ये फोटोशूट के लिए भी लोकेशन बहुत अच्छा है, तो लोग अंदर तक यहाँ पर जाते हैं, फोटोशूट कराते हैं। और आप सामने देख रहे हैं आपको पानी पानी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये लोकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा आने में। और यहाँ से अभी हम टर्न करेंगे राइट की तरफ। आप देखिए सामने नोएडा का ये जो सुपरनोवा बिल्डिंग है, ये वो वाली बिल्डिंग है, वो अंदर से नज़र आती है क्योंकि सुपरनोवा बिल्डिंग के आसपास ही ये जगह पड़ती है। तो ओवरऑल में ये अंदर का नज़ारा है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे वाला जो जहाँ से टावर है। तो हमने फिर यहाँ से राइट की तरफ चलना चालू कर दिया उस पॉइंट को देखने के लिए जिस टावर पर खड़े होकर लोग फोटो क्लिक करते हैं, जिसमें पूरा कवर करते हैं दिल्ली और नोएडा। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे अभी। तो जैसे ही हम उस जगह पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, तो हम अभी आगे नहीं जा पाएंगे, इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। बट एक आगे मतलब एक ऊंचाई सा टावर है जहाँ से आप एक देख सकते हैं अगल बगल का नज़ारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ओवरऑल में जो नज़ारा था वो आज का यही था, और आप देख रहे हैं कि सामने नोएडा के टावर नज़र आ रहे हैं। चलते चलते मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ दिखा दूँ। आप देख रहे हैं सामने बहुत छोटे छोटे से पानी में कुछ चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली बर्ड्स हैं जो हिंदुस्तान की भी हैं और बाहर विदेशों की भी हैं। यही वो बर्ड्स हैं। मैं अपने कैमरे बहुत ज़्यादा आपको जूम करके अच्छा नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो मेरे कैमरे की लिमिटेड जूम है उससे ही दिखा पाऊंगा। बट ये चिड़ियाँ हैं, ये सब वो वैरायटी हैं जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा चुका हूँ, रास्ते चलते दिखा चुका हूँ। ये सब वही चिड़ियाँ हैं जो आई हुई हैं, और ये यहाँ पर एक सर्टेन टाइम तक रहती हैं, और रहने के बाद फिर ये वापस अपने अपने कंट्री में चली जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो हालांकि आपको दूर से नज़र नहीं आ रही होंगी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते ये और बता दूं आपको कि यहाँ पर स्मोकिंग करना बिल्कुल मना है, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ किसी तरीके का कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट यहाँ पे बिल्कुल भी ना पिए यहाँ के। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। हमें फॉलो जरूर करिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो।